evening, everyone. Hello, thank you for joining us for today's live session. My name is Jyoti Chhabra at Unified Web Options and Private Limited. Welcome to today's live session. We will be there with you for the next 40 minutes. So today we will be discussing about the most important part of today's world, today's time, that is e-commerce business. So before introduction of this, I would like to inform you that what is e-commerce business, what is e-commerce platform, multi-vendor platform hota kya hai, and aaj ke is time mein e-commerce ka kya scope hai, kya rise hai is business ka. So how this e-commerce business is rising globally around the world, around the corner. So I would like to introduce this part of module from our UO, and I would like to request Shahrukh sir to introduce you about what is e-commerce business. हेलो गाइस, बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि ई कॉमर्स है क्या. एक्चुअल में ई कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू किया जाता है, जिसमें पेमेंट गेटवे, इंक्रिप्शन, एसएसएल सर्टिफिकेट, इन्वेंटरीज, टैक्सेस, इन सब चीज़ों के थ्रू शॉपिंग करना ई कॉमर्स है. तो शॉपिंग के दौरान धोखाधड़ी से बचने के लिए इसमें हम क्या 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 इंडिकेट कर सकते हैं. एसएसएल सर्टिफिकेट हो गया, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज हो गई, इन सब चीज़ों के थ्रू हम जो है एक जो आज का वर्ल्ड है, जैसे आज का आधुनिक युग है, में व्यापार को एक नई राह देने के लिए एक चैलेंज का काम हो गया है. छोटी सी छोटी चीज लेने में कस्टमर को वैरायटी चाहिए, और ये एक आम प्रॉब्लम है. इसके चलते हमें एक बहुत सारे सवालों से जूझना पड़ता है, बहुत सारे सवालों से गुजरना पड़ता है. जैसे कि अगर हम कुछ लेने जाते हैं शॉप में, तो ये हमारे से कस्टमर भी पूछता है, प्लस जो हमारा शॉपकीपर है वो भी पूछता है कि क्या दिखाएं, या कस्टमर पूछेगा भैया कुछ डिफरेंट दिखाइए, कुछ नया दिखाइए, कुछ ट्रेडिशनल दिखाइए. तो इन सब सवालों से हम सबको गुजरना पड़ता है. इन सब सवालों को रोकने के लिए, एक टाइम कंज्यूम करने के लिए हम अपना एक प्लेटफॉर्म लेके आए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, दैट इज मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म यूवो कार्ड. ओके शाहरुख सर, प्लीज एक्सप्लेन हमारा ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या इसमें इम्प्लीमेंटेशन हैं, किसके लिए है ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. ई कॉमर्स की नीड को जानने के लिए बेसिकली हमको थोड़ा सा इसके पास्ट में हमको जाना पड़ेगा कि ई कॉमर्स बेसिकली स्टार्ट कैसे हुआ. 1979 की बात है, माइकल एल्ड्रिच नाम के एक इंसान थे, उन्होंने उस समय पहली बार एक ऑनलाइन शॉपिंग की, एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया. वो सिर्फ एक ट्रांजेक्शन था, लेकिन वो एक हिस्ट्री बन गई. वहाँ से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का स्टार्ट हुआ, और उसके बाद से लोगों के दिमाग में आने लगा कि बिजनेस टू बिजनेस हम कैसे काम कर सकते हैं, हम कैसे ऑनलाइन चीज़ों को बेच या खरीद सकते हैं. तो उसके बाद हुआ ये कि 1981 में थॉमसन हॉलीडे नाम के इंसान ने एक विडोटेक्स नाम की कंपनी स्टार्ट की, और वहाँ से उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू कर दिया. फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ होती गई, और 11 अगस्त को 1994, तब उस दिन फिल ब्रैंडन बर्जर नाम के एक इंसान ने एक सीडी खरीदी, और उसका जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो क्रेडिट कार्ड से हुआ था. और वो क्रेडिट कार्ड से जो वो ट्रांजेक्शन हुआ, और उस दिन से मतलब सब लोग आने लगे कि अब हमको भी ऑनलाइन आना है, ऑनलाइन हम सेल करेंगे चीज़ें, ऑनलाइन सेल करेंगे. और 1994 के जस्ट बाद 95 में ईबे और अमेजोन कंपनी का स्टार्टअप हुआ, और उसके 4 साल बाद Alibaba.com, और फिर वहाँ से जो है सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई. और उसके बाद अगर हम देखें तो उस समय ई कॉमर्स पे इसलिए लोगों का इतना ध्यान नहीं जाता था, क्योंकि उस समय इंटरनेट का यूजेज नहीं था. आपको पता होगा जो थी, उस टाइम पे लोग कीपैड फोन यूज किया करते थे. फिर जब जैसे जैसे एंड्रॉइड के ओर लोग बढ़ते गए, लोग टच फोन की तरफ आते गए, जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ते गया. आपको मैं बता देता हूँ, 2005 में हमारे यहाँ इंडिया में ई कॉमर्स का जो वैल्यू था वो था $1.6 बिलियन, और आज 2021 में हमारे यहाँ टोटल वैल्यू ऑफ ई कॉमर्स है 45 बिलियन. तो मतलब आप ग्रोथ देखिए, इसलिए मतलब जब सभी लोग उस चीज़ में जा रहे हैं, सारी सेल हमारी इतनी बढ़ गई है, ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो सबको हमारे हिसाब से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए. और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब ये है कि आपकी दुकान जो है ऑनलाइन आना चाहिए. और ऑनलाइन लाने के लिए अगर एक इंडिविजुअल बंदा, एक इंडिविजुअल इंसान अगर अपनी
ऑनलाइन शॉप खोलना चाहता है तो उसको क्या क्या चाहिए? उसको एक वेबसाइट चाहिए, डोमेन खरीदना पड़ेगा, उसको होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, उसके अलावा उसको अपनी इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें पेमेंट गेटवे खुद ही लगाना पड़ेगा, डिलीवरी पार्टनर खुद का लगाना पड़ेगा। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ये सबके बस की बात नहीं होती है। अगर एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन है तो वो ये चीज़ नहीं कर पाता है। उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, जैसे हमारा यूवो कार्ड। यूवो कार्ड देता है आपको एक डैशबोर्ड, एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और इसके साथ साथ हम पेमेंट गेटवे और डिलीवरी पार्टनर्स भी आपको देते हैं। पेमेंट गेटवे हमारे पास रेजर पे, पेटीएम जैसी सिक्योर कंपनियों से हमारा टाइप है, जिससे आपका जो पेमेंट है सिक्योर रहता है। तो अब आपको बस करना ये है, yuvocard.com पर जाएंगे, वहाँ पे आप एज अ सेलर रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स अपलोड कीजिए, और आपको सारी चीज़ों से समझ लीजिए आपको ये बहुत सारा ईजी पड़ जाता है। अगर हम इसके अलावा अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा और अगर जानना चाहते तो मैं ज्योति जी से चाहूँगा कि वो कुछ बोलें। ओके, सो जैसे कि हमें शाहरुख सर ने बताया कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है क्या, कैसे इसका राइज हुआ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, तो मैं आपको एक छोटा सा जिस्ट बताने चाहूँगी कि जिस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स भी कहते हैं, लाइक ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहा जाता है, इंटरनेट तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उत्पादन और एवं सेवाएँ खरीदना बेचना तथा ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करना एवं डेटा शेयर करने की प्रक्रिया को ही हम ई कॉमर्स बिजनेस कहते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस का राइज क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि हमें आज के इस युग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इस पैंडेमिक में क्या क्या चल रहा है सिनारियो, जो मिडिल बिजनेस मैन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया है, क्योंकि उनका जो बिजनेस है एक टाइम के लिए बंद हो गया। आज अगर हम एक महीना भी अपना बिजनेस बंद कर लेते हैं एक मिडिल क्लास इंसान, तो वो ना ऊपर का रहता है ना वो नीचे का रहता है। इस प्लेटफॉर्म का राइज ही इसलिए हुआ है कि ताकि हम एक मिडिल क्लास पर्सन को, एक मिडिल बिजनेसमैन को एक राह दे सकें, एक प्लेटफॉर्म दे सकें कि एक वो उस पे स्कोप पे आ सके। जैसे कि बिल गेट्स ने भी कहा था कि एक बार, यदि आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है तो आपको बिजनेस ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, राइट? बिकॉज हमारी इकोनॉमी में मेन प्रॉब्लम मिडिल क्लास को है, क्योंकि सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं वो उसमें से मेन या तो हाई क्लास के लिए होती है या लो क्लास के लिए होती है, जिसके कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा डगमगा गई हैं, हिल गई हैं वो, क्योंकि रिच पीपल विदेशी आइटम्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट? आज के हम इंडियंस अगर हम सोचें कि हमें ये चाहिए, हम लोकल फॉर वोकल बोलते तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि जितने भी आज ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब दुनिया भर के वेंडर्स उस वेबसाइट्स में जुड़े हुए हैं, कम से कम 1000-2000 वेंडर्स उनकी वेबसाइट्स में जुड़े रहते हैं, और जो भी उनसे वो सामान खरीदते हैं क्या उनका पैसा इंडिया में रहता है? नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोगों की परसेप्शन, बहुत सारे लोगों का जो सोचना होता है, प्रेफरेंस होती है, कस्टमर का टेस्ट रहता है, वो सब डिफरेंट होता है, और आज के इस युग में ज़्यादातर लोग विदेशी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो इंडिया का जो पैसा है वो इंटरनेशनल जा रहा है, वो यहाँ पे टिक ही नहीं रहा है। तो इसकी व्यवस्था को डगमगा रही है, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन से बहुत ज़्यादा डगमगा रही हैं, बिकॉज रिच पीपल विदेशी आइटम्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिससे हमारे देश का ज़्यादातर पैसा विदेश चला जाता है। युवो आपके लिए लाया है एक ऐसा देशी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, युवो कार्ड। यस, युवो हमारा एक युवो कार्ड प्लेटफॉर्म लेके आया है उन वेंडर्स के लिए, उन ई कॉमर्स यू नो मार्केट प्लेस है ये एक, जिसमें वेंडर्स या फिर जो बिजनेस पर्सन है अपनी ऑनलाइन बिजनेस अपने ही देश में कर सकते हैं, जिससे हर क्लास को ग्रोथ मिलेगी, स्पेशली मिडिल क्लास, जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी योजनाएं बना रही है वो या तो लो क्लास के लिए, गरीबों के लिए हो रही है, या तो फिर एक हाई क्लास के लिए, बिकॉज रिच पर्सन आज भी इतना इफेक्टेड नहीं है जितना मिडिल क्लास है, और गरीबों के लिए जो योजनाएं बन रही है वो कहीं ना कहीं अपना गुजारा, कहीं ना कहीं वो अपना टाइम कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा फंस कौन रहा है? मिडिल क्लास फंस रहा है। तो हमारा प्लेटफॉर्म युवो कार्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया है उन बिजनेस पर्सन के लिए, जिसमें आप अपना बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक कंप्लीट डैशबोर्ड आपको दिया जाएगा उन वेंडर्स को, जिन जिनको आपको अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके आना है, वहाँ पे सिक्योर्ड पेमेंट गेटवे रहेगा, और साथ ही
आपको एक फ्री सर्विस प्रोवाइड करेगा बहुत सारी प्रमोशनल टेक्निक्स के थ्रू, जैसे कि हम आपके प्रोडक्ट्स को, आपके बिजनेस ब्रांड को हम प्रमोट करेंगे किसके थ्रू, वीडियो एडवर्टाइजमेंट। यस, हमारा यूवो कार्ड सिंपल एक मार्केट प्लेस नहीं देता उन वेंडर्स को, उन बिजनेस ओनर्स को, कि जहाँ पे आप अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके आइए और सेल कीजिए अपने प्रोडक्ट्स को, बिकॉज कई बारी टाइम लगता है इस बिजनेस को भी रेवेन्यू निकालने में। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हमने अपने इन हाउस में ही ऐसी चीज़ें, व्यवस्थाएं करके रखी हैं ताकि हमारी इंडियन में जो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी इतनी इफेक्ट हो रही है पैंडेमिक में, इतने लोगों के जॉब्स गए हैं, अनएम्प्लॉय हुए हैं, तो हम एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हमारा इनिशिएटिव ये है, हमारी पूरे प्लेटफॉर्म का, हमारे यूवो वीडियो प्लेटफॉर्म का इनिशिएटिव ये यही है कि हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है हर उन टैलेंटेड पर्सन को, हर एक नॉर्मल पर्सन को जिसमें एक टैलेंट तो है लेकिन उन्हें पाथ नहीं मिलता। तो हम इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर्स के थ्रू आपके प्रोडक्ट को हम प्रमोट करेंगे थ्रू आर वीडियो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, और आपको बहुत लो बजट में आपको ये वीडियो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही उसके जो आपकी प्रोडक्ट्स की सेलिंग होती है, अब वो प्रोडक्ट्स की सेलिंग कैसी तेज कराई जाए, कैसे प्रोडक्ट्स आपके जल्दी से जल्दी सेल हो, कैसे आपके प्रोडक्ट्स गूगल में शो हो कि हाँ इस प्लेटफॉर्म में ये प्रोडक्ट्स हैं, इस ब्रांड में ये प्रोडक्ट्स हैं, इतने का है, इस पूरी मार्केटिंग, कंप्लीट मार्केटिंग सोल्यूशन भी हमारा यूवो कार्ड रखता है। आपको प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग सोल्यूशंस प्रोवाइड करेगा यूवो कार्ड, आपके ब्रांड्स को प्रमोट करेगा थ्रू आर वीडियो एडवर्टाइजमेंट सर्विस, आपको 20 वीडियोस बहुत लो बजट में प्रोवाइड किया जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। किन सबसे? इन्फ्लुएंसर्स से, क्रिएटर्स से, क्योंकि आज हम वीडियो तो बनवा लेते हैं लेकिन कई बार कस्टमर सोचने लग जाता है कि हमारा ब्रांड ये है, हमें कैसे उसे कस्टमाइज कराना है, क्या उसके बजट होंगे, तो ये सब हम कस्टमाइजेबल आपको दे रहे हैं कि आपको जैसा जो कस्टमाइज कराना है, जिस बजट में कस्टमाइज कराना है, वो सब हमारा प्लेटफॉर्म आपको देगा। सो यूवो कार्ड मैं कहना चाहूँगी कि क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वो सारे प्लेटफॉर्म्स देते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, वो एक मार्केट प्लेस तो देते हैं वेंडर्स को सेल करने के लिए, बट एक तो सबसे बड़ी बात, उनका जो पैसा है वो इंडिया में नहीं रिवॉल्व होता, वो इंटरनेशनली रिवॉल्व होने लग जाता है। तो क्यों ना हम मिलकर अपने इस इकोनॉमी की कंडीशंस को आगे बढ़ाएं विद हमारे यूवो कार्ड प्लेटफॉर्म के साथ, हमारे यूवो प्लेटफॉर्म के साथ। और हम मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यूवो कार्ड सबसे बेस्ट क्यों हैं, क्योंकि हमसे जुड़े क्या फ़ायदा है हमारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है, ऐसे ये डिस्कस करते हैं हम विद यूवो कार्ड। ईजी टू यूज़ डैशबोर्ड, आपका जो डैशबोर्ड आपको मिलेगा वो बहुत ईजी मिलेगा, उसमें आप अपने ट्रैक कर सकते हैं कि कितनी आपकी सेल हुई, क्या आपको अमाउंट मिला, कितने आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। यस, अगर आपका प्रमोशन हम करवा रहे हैं, प्रमोशन भी हम दो तरीके से कराएंगे यूवो कार्ड में, एक अफिलिएट मार्केटर्स के थ्रू, जो आपके प्रोडक्ट्स की, आपके बैनर्स की जो लिंक होती हैं वो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में शेयर करवाएगा, जिससे लोगों के क्लिक होने पर आपकी प्लेटफॉर्म पे वो इंसान पहुंचेगा, और जब वो बनी बात है कि अगर वो इंसान एक चीज़ देखता है तो चार बार चीज़ें एक्सप्लोर भी करता है, अच्छा इसमें ये है, अच्छा इसमें वो है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सेल को इंक्रीज कराने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, इम्पैक्ट करता है। इसके पास एक सिक्योर ट्रस्टेड पेमेंट गेटवे है, टोटली फ्री ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट यूवो कार्ड इज प्रोवाइडिंग टू इट्स वेंडर्स आर वीडियो एडवर्टाइजमेंट फॉर योर ब्रांड और प्रोडक्ट्स इन अ वेरी लो बजट। एंड सो वाई वीडियो एडवर्टाइजमेंट, मैं बार बार आपको बोले जा रही हूँ कि हमारा यूवो प्लेटफॉर्म वीडियो एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करता है, क्यों मैं वीडियो एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करता है, बिकॉज वीडियो एडवर्टाइजमेंट आज के युग का एक ऐसा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, इसको किंग कहा जा रहा है वीडियो एडवर्टाइजमेंट को। वीडियोस लोगों के इमोशन के साथ खेलता है, बिकॉज जो भी ऑडियंस को चाहिए, अगर हम बेसिकली अगर उसको ऑडियंस को उनसे कनेक्ट कर पाए, जब कोई एक इंसान आपको बता के बोलता है कि हमें इस चीज़ पे ज़्यादा लेवरेज है, तो सामने वाला उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। वेंडर कैन गेट 20 वीडियोस इन अ वेरी लो बजट for the advertisement and promotion of their brands, and video advertisement will be given through influencers, creators of our Yuvo video app, so that you can customize your brand requirement easily at a very low budget. An easy way of promoting your brand through Yuvo affiliate program, matlab
कि आप अपने प्रोडक्ट्स को, बैनर्स को इजीली हमारे यूवो अफिलिएटर्स मार्केटर्स के थ्रू आप सेल आउट करवा सकते हैं. ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो यूवो कार्ड प्रोवाइड करता है. सो आई विल बी पासिंग माय क्यू टू शाहरुख सर एंड वो आपको कुछ और बताएंगे कि कैसे यूवो कार्ड वर्क करता है, कैसे इसमें ग्रोथ हुई है, क्या ट्रेंड्स हैं इसके, क्या फ्यूचर में इसका स्कोप कितना बढ़ेगा. सो शाहरुख सर प्लीज़. तो बेसिकली ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है हमारा यूवो कार्ड, उसमें आने से आपके बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं. जैसे पहला फ़ायदा तो आपका है कि फास्ट सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपकी जो सर्विसेज हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी सेलिंग जो है एकदम से बढ़ जाती है. और कॉस्ट जो है उसकी वही की वही रहती है. मतलब आपका जो परचेस अमाउंट है, आपका जो कॉस्ट रहेगा वो पुराना ही रहेगा, लेकिन आपकी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र रहता है जो वैसे भी सिक्योर ही रहता है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट तेज़ हो जाता है आपका. ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाता है आपको. मतलब ऑटोमेटिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, और आपको चाहिए कि आपके कितने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कितने आपका स्टॉक बचा हुआ है, आपको खुद से मैन्युअली कुछ भी हिसाब नहीं रखना है. आपका ऑटोमेटेड सिस्टम रहेगा, आपको बस जाके क्लिक करना है, आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना स्टॉक है. इसके अलावा आपको मिल जाता है ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्शन का मतलब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है समझना, और मैं आपको विंडफॉल गेन के बारे में भी यहाँ पर बता देना चाहता हूँ. इसी के साथ होता ये है कि आपके पास एक कस्टमर आता है, आपके पास एक कस्टमर आता है और वो आपसे कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेता है. अब वो प्रोडक्ट खरीद के वापस चला जाता है. क्या आप उसको रिटारगेट कर पाते हो? नहीं कर पाते हो. आप क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपने उससे कोई डेटा लिए ही नहीं. आपके पास उसका नंबर नहीं है, मेल एड्रेस नहीं है, इवन आप जानते नहीं हो कि उसने कहाँ पर, एड्रेस भी नहीं पता है आपको कि उसने कहाँ पर वो चीज़ मतलब लेके गया है वो खरीद के. लेकिन आपके पास अगर ई कॉमर्स स्टोर है, हमारा यूवो कार्ड है, अगर कोई बंदा आपसे वो चीज़ परचेस करता है तो आपके पास उसका मोबाइल नंबर, उसका पूरा कंप्लीट डेटा रहता है. डेटा आपके पास, एक डेटा का कलेक्शन आपके पास इकट्ठा हो जाता है. तो आप उसको उसकी पसंद के हिसाब से रिटारगेट कर सकते हो, और वो चीज़ आपको नहीं करनी, वो हम ही करते हैं ऑटोमेटिक. जैसे आपके पास उसने एक वॉच खरीदी, तो उससे रिलेटेड जितनी भी वॉचेस हैं वो उसको ऑटोमेटिकली उसके मोबाइल पर दिखने लगेंगी, क्योंकि हम जो है कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलाता है. अगर आपका प्रेफरेंस है कपड़ों में, तो वो आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कपड़े भी दिखाएगा उसमें, और ऑटोमेटिकली आप उस कस्टमर के पास मेल भी जाएगा, मैसेज भी जाएगा, तो वो एंगेज्ड रहेगा. इससे क्या है, अगर इसी सिर्फ इसी टेक्निक की वजह से अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ की सेल जो है हर साल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की सेल 47% ग्रो कर रही है. मतलब अगर ऑफलाइन स्टोर्स था 100 लैपटॉप बिक रहे हैं, तो हर साल आप 147 लैपटॉप्स बिक रहे हैं. इसी के साथ अगर हम कपड़ों पे चले जाएँ तो कपड़ों का भी यही है, हर साल 33% से ग्रो कर रहा है. तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है ऑनलाइन लाना अपने स्टोर को. इसके साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारे फायदे हो जाते हैं. जैसे आपकी मैन पावर घट जाती है, आपको ज़्यादा मैन पावर नहीं लगानी पड़ती इस चीज़ के लिए. एक से ज़्यादा कस्टमर आप एक साथ हैंडल कर सकते हैं. मतलब ट्रेडिशनल शॉप अगर आपकी है तो आप ट्रेडिशनल शॉप में क्या ही करते हैं, एक कस्टमर आता है, आप उससे बात कर रहे हैं, तब तक आप दूसरे कस्टमर से बात नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप एक बार में एक ही कस्टमर हैंडल कर सकते हैं. लेकिन अगर आप ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन में 20,000 कस्टमर भी अगर एक साथ आ जाते हैं तो आप उनको इजीली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने अपनी पसंद की चीज़ें अपने आप देख रहे हैं, है ना. तो ये ई कॉमर्स के बहुत जो छोटे छोटे फ़ायदे हैं वो बढ़ते जाते हैं. उसके अलावा यूनिफाइड वेब ऑप्शंस पूरे इंडियन कंपनी है, प्योर इंडियन कंपनी है, सॉरी वो जो कार्ड है वो प्योर इंडियन कंपनी है. इसका जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट से जो भी हम टैक्स वगैरह जो भी है सब इंडिया में ही रहने वाला है. इसका जो भी प्रॉफिट है उसका हम यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंसर्स और अफिलिएट्स के लिए. मतलब अगर हम इन्फ्लुएंसर से ऐड कराते हैं तो हम उनको भी पे कर रहे हैं, हम अफिलिएट्स को कमीशन दे रहे हैं. अगर हम कार्ड यूवो वीडियो प्लेटफॉर्म अ कंप्लीट एक अपॉर्चुनिटी है, एक कंप्लीट अपॉर्चुनिटी है. Exactly. जैसे कि हमारे शाहरुख सर अभी हमें बता रहे थे. हाँ जी सर, तो अफिलिएट्स को भी हम देते हैं अगर वो हमारी प्रोडक्ट की सेल कराते हैं. तो उससे होता ये है कि अभी जैसे लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन में हुआ ये कि सब ऑलमोस्ट बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, बहुत से लोगों की जॉब छूट गई, काफ़ी कंपनियां बंद हो गई. तो ये जो प्लेटफॉर्म हमारा यूवो कार्ड है, ये उनको चांस दे रहा है पैसे कमाने के लिए, एक तरीके से इनकम का सोर्स बन रहा है. और हमारा इंडिया का पैसा इंडिया में ही रह रहा है. तो ये मतलब बहुत सारे फायदों में से एक ये भी फायदा है हमारे यूवो कार्ड का. इसके अलावा अगर अगर आप जानना चाहते हैं कि हम और क्या दे रहे हैं, व्हाट वी आर गिविंग टू आवर वेंडर्स और सेलर्स,
तो मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में हमारी ज्योति मैम कुछ थोड़ा और बताएं। सो बेसिकली जैसे कि शाहरुख सर ने बताया कि यूवो कार्ड एक कंप्लीट मार्केट प्लेस है फॉर ऑल द वेंडर्स, फॉर ऑल द बिजनेस पर्सन जिनको अपना बिजनेस फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट करना है। एंड कन्वर्ट करना नहीं है, इट इज़ नॉट अ चॉइस, या वी आर गिविंग अ चॉइस, बट देन आपको एक ग्रोथ की तरफ लेके जाना हमारा काम है। क्योंकि आज जो हमें दिख रहा है, जैसे कि शाहरुख सर ने बताया कि हमारा जो ई कॉमर्स में जो हमारा ये बिजनेस जो ये ऑनलाइन सेल है वो 47% एवरी मंथ इंक्रीज हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, इंटरनेट। आज इंटरनेट यूजर्स, इलेक्ट्रॉनिक यूजर्स इतने बढ़ते जा रहे हैं जिसका आप तोड़ नहीं कर सकते। समय के साथ हर चीज़ बदल जाती है, इसी तरह हमारे शॉपिंग करने के और व्यापार करने का जो तरीका है वो भी बदल रहा है। और अब हमें छोटी से छोटी चीज़ लेने के लिए हमें दुकानदारों तक या कुछ स्टोर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक के थ्रू अपनी चीज़ें अपने घर बैठे बैठे बुलवा सकते हैं। और ये पूरी अपॉर्चुनिटी आपको कौन देता है, एक कम्प्लीट ई कॉमर्स स्टोर देता है। वैसे ही हमारा यूवो कार्ड एक कंप्लीट ई कॉमर्स स्टोर है, एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है जो आपके बिजनेस को ऊपर ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। अब जैसे हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अगर सपोज कीजिए अगर हमारा कोई भी वेंडर कर्नाटक में बैठा है और हमारी जनता जो है, हमारे कस्टमर्स के जो प्रेफरेंसेस हैं, जो उसके टेस्ट हैं, वो बैठी है इंडिया में, तो वो वहाँ जाके कैसे पता करेगा कि इसके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं और नई नई चीज़ें उसके पास आई हैं डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के साथ, ये सब चीज़ें कैसे पता चलेगा, क्या वो रोज ट्रैवल करेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसको ईजी बनाने के लिए हम लोग ने अपने बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म दिया है, वेंडर्स को, बिजनेस ओनर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आज के इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपके लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूवो कार्ड, बिकॉज यूवो कार्ड हर उन पर्सन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और साथ ही हम मिलकर क्यों ना अपने इस इंडिया की इकोनॉमी को एक स्ट्रेट लेवल पे लेके एक पुश करें कि एक हमारा इंडिया भी बेहतर हो सकता है, बेहतर तो है ही बट और बेटर हो सकता है हमारा इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ आर ओन प्लेटफॉर्म। हमारा जो विजन है हमारे इस प्लेटफॉर्म का, वो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं एंड द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो यूवो कार्ड से जुड़ें और भी बहुत सारी आपको एडवर्टाइजमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि हमारे यूवो कार्ड सिंपल मार्केट प्लेस नहीं है। अगर आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी नीड्स पूरी करनी है तो आपको आपके बिजनेस को ऑनलाइन लाना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा अगर एक छोटा पर्सन सोचता है कि उसको एक रिटेल आउटलेट खोलना है, तो क्या रिटेल आउटलेट के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं बोल के 15 से 20 लाख तो मिनिमम अमाउंट हो गया, स्टार्टिंग अमाउंट 20 लाख, नहीं तक इंसान करोड़ों तक जाता है। और उसके बाद भी उस बिजनेस को चलना है नहीं चलना है, कैसे चलाना है, उसमें रेवेन्यू अर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर पूरी नज़र रखने के लिए इंसान को अपना 12 से 15 घंटे देना पड़ता है। तब आप रिटेलर, जो आपका रिटेल बिजनेस है, आप उसमें सिर्फ कुछ टाइम के लिए इन्वॉल्व हो सकते हो, बट ऑनलाइन स्टोर में हम 24/7 अवेलेबल हैं। हम अपने पेमेंट गेटवेज, एवरीथिंग हमारा सब ऑटोमेटेड है कंप्लीट। आपको सिर्फ विजिट करना है, आपको अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे स्टोर करना है, आपके डैशबोर्ड्स आपको मिलेगा कितनी क्या सेल हुई है, कितना रेवेन्यू आपको मिल रहा है, किससे आपको ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है, आपको समझ में आएगा कि कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो क्या चीज़ों को पसंद करते हैं। तो ये सब हमारा एक प्लेटफॉर्म यूवो कार्ड देता है। सो आज मैं आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में ही बताया है कंप्लीट आपको। एंड हम एवरी थर्सडे, एवरी फ्राइडे हम आएंगे ऐसे ही 4 बजे ऑन आर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक हैंडल्स, आपको इस चीज़ के लिए ग्रोथ दिखाने के लिए कि हमारा ई कॉमर्स बिजनेस कहाँ पहुँच गया है। आजकल एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, कुछ भी सर्वाइव नहीं करेगा जब तक वो ऑनलाइन नहीं है। आज का युग एवरीथिंग, वो बोलते हैं ना 4 दीवारों से क्लिक्स तक का सफर, तो पहले हम 4 दीवार में बैठ के अपना बिजनेस करते थे और अब बिजनेस सिर्फ 4 दीवारों तक सीमित नहीं रह गया, अब हम एक क्लिक के थ्रू भी अपना बिजनेस कर सकते हैं एंड करोड़ों में इसका बिजनेस होता है। ऐसा नहीं है कि आपको रेवेन्यू अर्न नहीं होगा, ये नहीं होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपको हमारे प्लेटफॉर्म यूवो कार्ड के साथ, बहुत बेनिफिट्स हैं। आप अपने साथ साथ दूसरे वेंडर्स को भी जोड़िए हमारे यूवो कार्ड प्लेटफॉर्म में। सो शाहरुख सर, थैंक यू सो मच
और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको हमारा सेशन कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ, अपने ई कॉमर्स से जुड़ रही चीज़ों के साथ आपसे एवरी नेक्स्ट वीक मिलेंगे, एवरी फ्राइडे sharp@4 PM ऑन आर इंस्टाग्राम हैंडल्स एज वेल एज फेसबुक हैंडल्स। थैंक यू। थैंक यू।